Hello everyone, welcome to Neet Pod. In this video, we will talk about the structure of skeletal muscle. Structure of skeletal muscle. अगर हम लोग बात करें मसल्स की तो एवरी मसल हैव मेनी बंडल्स विच आर कॉल्ड एज फेसिकल. सो ईच मसल हैज मेनी बंडल्स कॉल्ड फेसिकल्स. Or each muscle is covered with a layer of connective tissue called AIIMS. और जितने भी फेसिकल्स होते हैं, यानी ईच फेसिकल हैज मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीमाइसिन एंड ईच Fascicle has many muscle fibers or muscle cells. जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, मान लीजिए ये कोई मसल है, स्केलेटल मसल, जिसमें दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं. एक को बोलते हैं डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड. तो ये जो है डार्क बैंड या इसे ए बैंड भी कहते हैं कहलाता है, जबकि ये जो दिखता है ये है लाइट बैंड. जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलता है. लेट्स से कि ये कोई दो मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या इसे सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसमें दो लाइंस पाई जाती हैं जिसे कि दोनों तरफ ये लाइनें पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं जेड लाइन. ये जेड लाइन होती है. अब होता क्या है कि ये जो जेड लाइन है इस पे एक्टिन फिलामेंट पाए जाते हैं, या अगर हम लोग बात करें मायोफाइब्रिल की, सो मायोफाइब्रिल, तो ये दो टाइप्स के, एक को बोलते हैं एक्टिन और एक मायोसिन. एक्टिन जो होता है जेड लाइन पे अटैच्ड कुछ इस टाइप से एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं. और ये जेड लाइन के दोनों तरफ इस तरफ से अटैच्ड होती है, लाइक दिस. और इस तरफ भी एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है.
ये है एक्टिन, और इसके बीच में हैंगिंग करता हुआ लगभग डार्क बैंड पाए जाते हैं जिसे मायोसिन कहा जाता है, ये इस तरह से. सो दीज आर दी डार्क बैंड्स या इसी को ए बैंड्स भी कहते हैं. सो ये है, अगर हम लोग इसको बात करें, यानी जहां से मायोसिन शुरू होता है ये होता है ए बैंड या डार्क बैंड होता है. डार्क बैंड क्या होता है कि इसके ऊपर में एक्टिन जो होता है वो स्लाइटली, यानी एक्टिन जो होता है ये एक तरफ अटैच होता है जेड लाइन से, यानी अटैच्ड वन एंड अटैच्ड टू द जेड लाइन एंड वन एंड स्लाइटली ओवरलैपिंग ओवर मायोसिन, यानी एक तरफ जेड लाइन से अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ जो मायोसिन है उसके ऊपर हैंगिंग करता हुआ या ओवरलैप करता हुआ पाया जाता है एक्टिन की बात करें तो. और मायोसिन जो होता है वो डार्क बैंड कहलाता है या ए बैंड कहलाता है. इसके अलावा क्या होता है कि जो जब हम लोग मसल की बात करते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये सार्कोलेमा है तो इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है. सार्कोप्लाज्म एक्चुअली में ये क्या है, साइटोप्लाज्म. यानी साइटोप्लाज्म इन दी मसल सेल्स इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. इसी तरीके से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं. एक टर्म आता है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है लाइक दिस, मैं यहीं पे बना देता हूं. दीज आर दी सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे हम लोग ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं. जो पोर्शन है जेड लाइन से जेड लाइन के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन वन जेड लाइन एंड अनदर जेड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर. सार्कोमियर कहा जाता है. अब एक पॉइंट और है, जैसे कि हम लोगों ने ए बैंड दिखाया तो ए बैंड का यानी डार्क बैंड जो मायोसिन है कुछ पोर्शन इसका एक्टिन फिलामेंट की और इस तरफ भी ओवरलैपिंग है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है जो कि ओवरलैप नहीं करता है, ये वाला पोर्शन यानी मिडिल वाला पोर्शन को अगर हम देखें जो कि हैंगिंग करता हुआ दिख रहा है जहां पर कोई ओवरलैप नहीं है, तो इस सेगमेंट को बोला जाता है, यानी जो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है इसको बोला जाता है एच बैंड या हेंसन लाइन गिवन बाय द साइंटिस्ट हेंसन. सो दिस इज द पोर्शन जिसे हम लोग एच बैंड कहते हैं या हेंसन लाइन कहते हैं. इसके अलावा जो मायोसिन लटकता हुआ दिखता है, ओवरलैप करता हुआ दिखता है, एक्चुअली में दीज आर दी पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पैरेलल नजर आते हैं जो कि प्रेजेंट होता है और यहाँ ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो एक मायोसिन के चारों ओर छह एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है. अगर ये तो लार्ज मैग्नीफाई करके अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन लें तो क्रॉस सेक्शन हमें यूं दिखता है. मान लीजिए ये कोई मायोसिन है, दिस इज मायोसिन, तो ये मायोसिन जो है इसके चारों ओर छह एक्टिन फिलामेंट पाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6.
इसी तरह से अगर दूसरा मायोसिन लें तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एक और ले लेते हैं मायोसिन तो अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 दीज आर दी एक्टिन फिलामेंट्स जो कि मायोसिन को घेरे रखने का काम या चारों तरफ से प्रेजेंट होता है यानी वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय दी 6 एक्टिन फिलामेंट्स तो जब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखता है इसके अलावा क्या होता है कि एक डार्क लाइन जो है वो अटैच्ड होता है या यू कह लें कि कुछ इस टाइप से एक लाइन पाई जाती है बीच में इसे बोला जाता है एम लाइन कहा जाता है और यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है सो मैं यहाँ लिख देता हूँ यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR acts as रिजर्वायर फॉर कैल्शियम ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है सो अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम के स्टोरेज का काम करता है या एक रिजर्व वायर की तरह काम करता है इसमें न्यूक्लियाई जो पाया जाता है या न्यूक्लियस जो पाया जाता है जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा या जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं दीज आर दी न्यूक्लियाई तो पॉइंट है कि न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बीनीथ द सार्कोलेमा और जो सार्कोमियर है ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल है सो सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल और अगर हम लोग बात करें वन सार्कोमियर तो ये इज इक्वल टू है वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड इसका मतलब ये हुआ कि एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट होता है जैसे कि हमने देखा यहाँ कि जो सार्कोमियर है वो लगभग दो हाफ एक्टिन फिलामेंट यानी जिसे हम लोग आई बैंड कहते हैं इससे कवर करता है और प्लस एक पूरा का पूरा ए बैंड होता है सो वन सार्कोमियर इज इक्वल टू वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड्स यहाँ पे जो ए है यानी आई स्टैंड्स फॉर आइसो एंड ए स्टैंड्स फॉर एन आइसो सो जो दो बैंड्स हैं एक्चुअली में जब भी हम लोग स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आती है एक डार्क बैंड जिसे हम लोग ए बैंड कहते हैं और एक है लाइट बैंड जिसे हम लोग आई बैंड्स कहते हैं या लाइटर बैंड कहते हैं सो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है ये दोनों मिलकर के कंप्लीट एक सार्कोमियर का फॉर्मेशन करता है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी स्केलेटल मसल का सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल Share the video as much as you can.